अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा आवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे इस हुकूमत और पार्लियामेंट की कारकर्दगी के हवाले से। इस पार्लियामेंट को इलेक्शन को हुए 2.5 महीने हो चुके हैं, जबकि हुकूमत को कायम हुए 1.5 माह हो चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अभी तक कोई उस अंदाज के अंदर कानून साजी या जो पार्लियामेंट का काम होता है वो स्टार्ट नहीं हो सका। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि अभी तक पार्लियामेंट के अंदर कायमा कमेटियाँ कायम नहीं हो सकी। और दूसरा अहम मामला जो है कि पार्लियामेंट के अंदर चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों इस वक्त या मरकज़ में हम कौमी असम्बली या सेनेट देखें, इसमें मुसलसल एहतजाज चल रहा है और जो स्मूथ एक पार्लियामेंट की कार्रवाई होती है वो हमें नज़र नहीं आ रही। टकराव की सियासत जो है वक्त के साथ साथ इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, तो इसके असरात क्या होंगे मुल्क के जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से भी। और फिर जो सदर मुमलकत ने मुशतरका इजलास से ख़िताब किया और इस खिताब के कुछ मंदरजात और फिर इस खिताब के दौरान तीनों सर्विसेज चीफ की अदम हाज़िरी जो है कि इसके ऊपर बड़ी चैमगोइयाँ की जा रही हैं। तो ये मामलात होंगे जिसमें हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ती हुई सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादर खान मंदोगेल साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका तल्लक है, और हाफिज़ फरहत अब्बास साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मंदोगेल साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ कि आप जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल है जो काफ़ी हमें कशीदा दिखाई दे रही है, अगरचे पार्लियामानी साल का बकायदा आगाज़ भी सदर मुमलकत ने अपने खिताब से कर दिया, लेकिन ऐवान में वो माहौल अभी नहीं नज़र आ रहा, ना ही कायमा कमेटियाँ बनी हैं कि जिससे बाकायदा तौर के ऊपर जो कानून साजी का काम होता है पार्लियामेंट का, पॉलिसी साजी कानून साजी, वो शुरू हो सके। तो आप ये इस वक्त तक की सूरत हाल को देखते हुए क्या समझ रहे हैं कि ये इस पार्लियामान का जो फ्यूचर है या आगे चलने वाली जो कार्रवाई है वो किस अंदाज की होगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप असेंबली की बात कर ले तो ये असेंबली में इसी तरह अफरा तफरी पिछले कई अरसे से ये चलती आ रही है और ये होती रहेगी। यकीनन जहां अपोजिशन होगा वहां पे शोर शराबा भी होगा, और पिछली असेंबली में जहाँ पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त तो पीडीआई बायकॉट कर दिए या इस्तीफे दे दिए, वहाँ जब 5-6 जो जीडीए के लोग बैठे हुए थे वो भी सारा शोर मचाना चाहते थे, तो 4-5 लोग होते हुए भी इस वक्त तो ये 92+ है, तो यकीनन इनके आवाज़ भी है, शोर शराबा भी करेंगे। और कल मैं खुद मौजूद था सदर पाकिस्तान का जब खिताब था पार्लियामेंट में, तो ये जो असली मामूल शोर शराबा था वो तो चल रहा था, और गो के मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ज़्यादा हंगामा खैज होगा, नहीं वो थक गए, कुछ नारे लगा लिए फिर खामोश हो गए, लेकिन वो जमशेद दस्ती साहब और दूसरे जो इकबाल खान साहब या उनने कोई गाली गलौज की है उसका तो आपको पता है कि स्पीकर ने आज उनकी मेंबरशिप प्रेजेंट सेशन के लिए सस्पेंड की थी, और बिल्कुल ठीक है। पिछले असम्बली में मेरी भी एक दिन के लिए सस्पेंड की थी असद कैसर साहब ने, तो ये तो एक रूटीन की कार्रवाई है और इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि अपोजिशन खामोश रहेगी, अगर अपोजिशन खामोश रहेगी तो फिर अपोजिशन थोड़ी खिलाएगी, तो ये शोर शराबा हंगामा ये सारी चीज होगी। लेकिन अगला मैं सवाल आपके सामने ये रख रहा हूँ आपके सवाल के बाद कि क्या इसी तरह 5 साल होता रहेगा? क्या पीटीआई वालों ने कोई कानून साजी नहीं करनी है? क्या पीटीआई वालों ने जो अपने लोगों से वोट लिए अपने हलकों में जहाँ जहाँ एमपी एमएनए जीते हैं, तो क्या उन लोगों ने इसलिए वोट दिए कि आप यहाँ गाली गलौज करो शोर शराबा करो, या कोई हल्के के या पाकिस्तान के लिए कोई कंक्रीट कोई किरदार अदा करे? तो कंक्रीट किरदार तो यकीनन इस तरह माहौल में तो नहीं हो सकेगा। स्पीकर के लिए क्या मसला है? वो ज्यादा शोर शराबा करेगा, बोले एडजन, बोलो भाई प्रोवोक कर देगा, इजलास खत्म कर देगा, तो फिर क्या होगा? लेकिन ये जो पलट के वापस अपने लॉजेस में जाएंगे, घरों में जाएंगे या अपने हलकों में जाएंगे, तो वहां क्या बताएंगे उनको कि जी हमें शोर शराबा कर दी है, हमारी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई है, लिहाजा हमने अपना किरदार अदा कर दिया, तो इसको तो नहीं कहते हैं किरदार, ये सोचना पड़ेगा अपोजिशन को। ये फरज साहब से भी इस मामले में पूछेंगे। एक छोटा सा और मुझे ये बताते चले कि कायमा कमेटियों के क्याम में आप समझते हैं ताखीर हुई है या इतना ही टाइम लगता है और हो जाएंगी जल्द कायम? असल में उसकी वजह ये है, टाइम तो इस वजह से उसका लग रहा है और कायमा कमेटियों का, क्योंकि कल ही या आज मैं देख रहा था कि पीटीआई ने नाम दिए है, शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिए है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए और बाकी भी दिए है, तो आज उन्होंने नाम दिए है, लेकिन चूंकि वो जो पीटीआई या सुनी इत्या तहरीक
वो जो मामला चल रहा है इस वक्त भी कोर्ट में जरे वो है पेंडिंग है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में वो हो रहे हैं और नहीं होना चाहिए। आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जितने जल्द से जल्द जो ये कायमा कमेटियाँ बनेंगी इतने जल्द से जल्द जो ना कानून साजी होगी, और मैं आगे भी नहीं समझ रहा हूँ कि कानून साजी इस माहौल में हो सकेगी। आप देख रहे हैं जहाँ गजा के हवाले से फलस्तीन के हवाले से जो एक करारदाद आई है और पीटीआई वालों ने उसकी मुखालफत की है, तो स्पीकर साहब ने दोबारा रिपीट किया है कि भाई ये फलस्तीन के हवाले से है, तो उसके बाद फिर खामोश रहे। तो यानी जो फलस्तीन गजा के जो हवाले से भी करारदाद है उसकी भी वो मुखालफत करें, वो ज्यादा शिद्दत जज्बात में चले गए ना, जो जिस रूटीन में चल रहे होते हैं। जरा फरज साहब, आप घर से आए कि हमने ना करना है, तो जब ना करनी है तो फिर शोर शराबे में समझ भी नहीं आती। हाफिज साहब, ये मामला जो है कि आप समझते हैं कि पार्लियामान जितना भी अर्सा होगी, हम 2002 से कम अज़ कम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर रही है, हुकूमतें तो कोई नहीं कर रही इन तीनों चारों पार्लियामेंट के अंदर, तो आप ये देख रहे हैं कि जिस अंदाज के अंदर ये काम चल रहा है, तो ये जो बिजनेस होता है पार्लियामानी वो चल सकेगा, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, या हुकूमतें चल सकेंगी या नहीं चल सकेंगी? अस्सलामुअलैकुम, शुक्रिया जी खालिद जमील साहब, आपने बात की। पहले कादिर मंदू खेल साहब जो बात कर रहे थे, मैं सारा उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो गालम गलोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, मगर जो हमारे हलकों से हमें वोटर्स ने वोट दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि फार्म 47 पे कोई मैंडेट चोरी करके वहाँ बैठा और हम चुप करके वहाँ बैठे हैं। जो जिन सीटों पे हमारे साथियों का, दोस्तों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उस पर कोई गासिब फार्म 47 के बलबूते में बैठ जाए और हम चुप करके वहाँ हाथ पे हाथ धर के पार्लियामेंट में अच्छे बच्चे बन के बैठे, ये नहीं हो सकता। हम जब हमारी जद्दोजहद है, ये जो डाका डला है अवामी मैंडेट पे, जब तक हम उसको वापस नहीं लेते हम स्टैंड लेंगे। दूसरी बात सर, आप इस 2.5 महीने वो हो गए हैं, अभी तक रिकाउंटिंग कराते रहते हैं, ये कौन सा निज़ाम चल रहा है आपको समझ नहीं आ रही? रिकाउंटिंग करा के जनरल इलेक्शन में पता चलता है पूरे हलके में 4,000 वोट आपका रिजेक्ट हुआ है कौमी असम्बली का, बिलाल एजाज में 5,000 हुआ था, बाद में जब रिकाउंटिंग होती है 6,000 एक्स्ट्रा निकल आता है रिजेक्टेड वोट। किसको पता नहीं है कि ये थैले किनके पास थे और कौन डबल स्टैंपिंग कर रहा था? इस तरह राणा फराज नून साहब जो हमारे लोधरा से हैं, वहाँ आप कांजू साहब को जितवाने के लिए वोट फिर देखते हैं कि डबल स्टैंपिंग हुई हुई है। तो ये तो निज़ाम की एक मुंह बोलता सबूत है निज़ाम की बोसीदगी का, और इस निज़ाम को, ये निज़ाम चल ही नहीं सकता। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आपको रिलीफ मिल भी गया, गलतियाँ की थी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, मेरे ख्याल ठीक भी कर दिया, आपको सीटें वापस दे दी। सर वो तो देखे ना, गलतियाँ नहीं की थी, ब्रॉड डे लाइट रोबरी की थी, वो हाई कोर्ट से के जो मोजिस जज साहिबान थे उधर से वापस हो गया, मगर ये तो अभी आटे में नमक के बराबर है। जो तकरीबन 180 सीटों पे हमारे लोगों के साथ फार्म 47 चोरी किया गया है, अभी लाहौर में अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मैं कंपेन पे हूँ, आपने आज बुलाया तो मैं आ गया, लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मुझे ये बताएं कि कौन सा ज़िमनी इलेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप अपनी कारकर्दगी बजाय पुलिस के बलबूते पे, पुलिस की बदमाशी पे इलेक्शन लड़े हो। जिधर हम जलसा करके निकलते हैं पता चलता है पुलिस पहुंच गई है, जिधर हम कॉर्नर मीटिंग करके निकलते हैं पुलिस पहुंच जाती है, और ये कैसा जमहूरी? आप हमें कह रहे हैं कि ये जमहूरी निज़ाम चलेगा, खालिद साहब आप मुझे बताएं कौन सा जमहूरी निज़ाम है जमहूरियत में आप इलेक्शन में लड़ रहे हो, और कौन सा जमहूरियत निज़ाम कहता है कि आप आमराना सोच की अक्कासी करते हुए दफा 144 लगा दें? कभी आपने सुना है? कभी देखा है? ये आमरियत से भी एक स्टेप आगे जा चुके हैं, 70-70 साल 80-80 साल के बुजुर्ग हैं वो खातून, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी माऊ से एजिड हैं, उनको आपने अंदर डाला हुआ है, सिर्फ एक ही बात बस कर दें यार, इनफ इज इनफ। अच्छा अब आए, अगर आप पोलिटिकल प्रोसेस को आगे चलना देखना चाहते हैं तो कमेटी बनाए। हमने तो आपको कहा है खैबर पख्तूनख्वा के जो से मर्जी 10 साल के आप कहते हैं हम खोल देते हैं, आप चेक करवा लें, अगर हम वहां दांधली है री इलेक्शन करवा लें, या आप सीट ले लें वापस अगर वहां दांधली है, 10 हल्के बता दें हम पंजाब के, आपको 20 हल्के बता सकते हैं जहां ये तमाशा हुआ है। अच्छा चले, ये मंदोखेल साहब आपकी तरफ से भी पीएस पार्टी अक्सर ये कहा करती है कि बैठ के बात कर ली की जा सकती है, अभी फरज साहब भी ये कह रहे हैं कि एक पार्लियामानी कमेटी अगर बना लें और जो भी हल्कों पर जिसके ऊपर एतराज़ है सारे अपने अपने आइडियाज़ ले आए वहाँ पर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला चलते रहेंगे साथ साथ, एक तो ये तजवीज़ है इसके ऊपर भी आप कमेंट कर लीजिएगा, और दूसरा ये जॉइंट सेशन इस एतबार से बड़ा अहम होता है, सदर मुमलिकत का खिताब रियासत के सरबराह होते हैं, वो आइनी सरबराह हैं और वो पार्लियामान को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं अपनी, उनकी सियासी बसीरत जो होती है उसके मुताबिक,
कि आपको एक साल के अंदर हुकूमत को, पार्लियामान को, इदारों को क्या करना चाहिए, चैलेंजेस क्या हैं? ऐसे मौक़ों के ऊपर हमने नहीं देखा कभी कि सर्विसेज चीफ जो हैं वो पार्लियामेंट में ना आए हों, तो ये आप इसको गैर मामूली समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि शायद उनकी मसरूफियात होंगी, नज़रअंदाज हो गया, या जो हुआ ठीक हुआ? मेरा ज़ाती ख्याल ने मुझसे पूछा है कि मधुखेल साहब से, मैं मधुखेल साहब जवाब दे दें, फिर आप भी फरज साहब इस पर कॉमेंट कीजिएगा। मैं ज़ाती तौर पर यह समझ रहा हूँ, मैं एक अदना सरकन हूँ पीपल्स पार्टी का, मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद इनकी गाली गलोच और सारी बदतमीजों को देख के सर्विसेज चीफ नहीं आए, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह तरबियत इनने लोगों को दी है उसे तो कोई महफूज नहीं है। तो इस शायद मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि शायद इस वजह से उन्होंने किया है। देखिए सदर पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि सातवीं मरतबा उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किए, और पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा सिविलियन सदर जो है ना का एजाज़ आसिफ अली जरदारी साहब को मिल चुका है। तो मेरे ख्याल में इनकी वजह के, लेकिन मैं कल खुद मौजूद था जो नारेबाजी कर रहे थे वो नारेबाजी भी थक गए, कुछ लोग तो उनके पीछे खामोश बैठे खड़े थे और कुछ आगे नारे लगा रहे थे, वो भी कुछ देर में थक गए, सिवाय जमशेद दोस्ती और इकबाल अहमद खान साहब की जो वहाँ पे थोड़ी सी गाली गलोच कर रहे थे उसमें। तो सवाल ये कि इन सारी चीज़ों का फर्ज साहब जो फरमा रहे हैं, पाकिस्तान का ये भूल जाएंगे कि दांदली किसे कहते हैं, जहाँ मेरे हल्के NA 242 कराची में हुआ है। मुझे इलेक्शन से पहले बताया गया है फैसल वाडा साहब ने कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, ये मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। मैं बड़ा हैरान था, मुझे अपने लोग बता रहे थे कि भाई थोड़ा सा आप जाग जाओ, ये सीट जो है ना आपकी मुस्तफा कमाल को दी। मैं बड़ा हैरान होता था कि यार इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं है, सबको पता है ये सीट मुस्तफा कमाल को दी जा रही, कैसे देंगे? 70% पश्तून एरिया है यहाँ पे, फिर उर्दू स्पीकिंग है कुछ 10-15%, कच्ची है, फिर दूसरे लोग है, तो यहाँ अक्सरियत हमारे साथ है, पूरा का पूरा टाउन सारे के सारे यूनियन काउंसिल हमारी जीते हुए, तो कैसे आएगा? और वो मुस्तफा कमाल जिसने 259 लोगों को जिंदा जलाया, मजदूरों को, और खुद माना कि हाँ जी हमारे लोग हैं, वो आदमी जो महाजरों को गालियां दे रहा था, वो जो अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द कर रहे थे, कैसे जीतेंगे? मगर इलेक्शन वाले दिन आपने देखा जिस तरह वो बैलेट बॉक्स के जरिए जबरदस्ती डाल लेते, और आज तक इलेक्शन कमीशन में वो, मेरी कल भी इलेक्शन कमीशन में वहां पे पेशी थी, मुझे तो बार बार पिछले 2.5 महीने से बुला रहे हैं, मगर मैंने कहा कि जनाब मैंने जो सबूत दिए है बैलेट पेपर 25 से 30 हजार इस वक्त भी मेरे हाथ पास पड़े हुए, तो ये बैलेट पेपर किसने दिए है, कहाँ से आ गए? आपके 7 करोड़ बैलेट पेपर है पाकिस्तान के वोटर्स है, आपने 26 करोड़ छाप लिए, तो ये इनको बेचने के लिए आपने छापे? मंदोखल सर, यही वो मसाइल हैं, यही वो मसाइल हैं जो हर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को होते हैं, जिसकी वजह से जावेद लतीफ़ साहब भी, राना सनावला साहब भी, खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं, शायख खान अब्बासी साहब भी जो इजहार कर रहे हैं, वो इसी किस्म की बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं या PTI कर रही है, तो वो हाथ पीछे सारे जाके वो एक दो ही हैं जो सारा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो फरज साहब ने जो तजवीज़ दी है कि अच्छा ठीक है, कोई पार्लियामानी कमेटी बनाएं और बैठें उसके ऊपर, कोई लाया मतलब बनाएं, उस तरफ समझते हैं कोई पेश रफ्त होनी चाहिए? देखिए मैं इसमें एक बात करना चाहता हूं। अच्छा वो आपकी तजवीज़ पर अगर मंदोखेल साहब कमेंट कर लें तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके पास आप ही की तजवीज़ थी, वो ज़रा उससे ले लेते हैं, फिर आप आ जाइएगा फरज साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए हम तो हर बात कहते हैं, पिछली मरतबा जब RTA सिस्टम बिठा के इनको बिठा दिया है वफाक में, तो उस वक्त भी बिलावल साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाऊँ तुम्हारे साथ हैं, और कल भी बिलावल साहब ने स्पीच की है, आसिफ अली जरदारी साहब तो वैसे मुफामत का बादशाह कहते हैं, और फिर हुकूमत बनने से पहले खुर्शीद शाह साहब ने इनसे रब्ता किया है कि आइए हमारी इतनी सीटें नहीं है, आप सबसे बड़ी पार्टी है, आप हुकूमत बनाए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, गैर मशरूत, इनकार कर दिया है। आप मुझे बता दो कि ये अगर बैठेंगे नहीं है, जो तजवीज आप दे रहे हो बिल्कुल मैं तो कहता हूँ सबसे, ये तो तजवीज ही समझ लो हमारी है, तो जब तक ये बैठेंगे नहीं है तो ये चोर दरवाजा कैसे रोक सकेंगे? नहीं रोक सके। फिर दूसरी बात फरज साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सियासी लोगों को तो कहते हैं ये चोर है, डाकू है, और जिसको गाली गलोच कर रहे, जिसको ये जिम्मेदार ठहरा रहे, वहां तो ये काबीना समेत वजीर आला कोर कमांडर ऑफ पेशावर में इजलास कर रहे हैं, हिदायत ले रहे, ब्रीफिंग ले रहे, तो ये क्या है? ये जमहूरियत है? इस तरह आप जमहूरियत ला सकेंगे? अगर आप किसी की कंधों पे चढ़ के आप हुकूमत में आना चाहते हैं तो अल्लाह खैर सला, 2018 में आप आए थे,
आज आप जेलों में हो, कल फिर आ जाएंगे, इसी तरह फिर चलता रहेगा पाकिस्तान। अच्छा ये हाफिज साहब जरूर इस पे जवाब दीजिएगा। दूसरा ये है कि जो आपकी अच्छा, तजवीज़ थी ना कमेटी वाली पार्लिमानी, तो क्या अगर हुकूमत पहल नहीं कर रही तो क्या अपोजिशन लीडर उमर गौहर अयूब साहब हैं, तो क्या वो जो हैं कि इस उमर अयूब साहब सॉरी कि वो इस पे इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो अपने एज ए अपोजिशन लीडर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला लें सबको कि अच्छा जनाएँ आए बैठें इसकी पूछ कर लें हम जी। देखिए जी, मैं आपके ना काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, पहले मैं आ जाता हूँ इसी बात पे, सर्विसेज चीफ वाली भी बात आपने की और ये वाली भी। अब मैं ज़रा पहले दूसरी बात पे आता हूँ, क्योंकि कादिर मंदोखेल साहब ने बात की, मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली, मुझे रिजल्ट पहले बता दिया गया और वहाँ धांधली हुई, तो क्या इखलाकी तौर पर आप लोगों को ये जेब देता है कि आप समझते हैं जो चोर हैं, मैंडेट चोर हैं, आप उनके साथ ही जाके बैठ के, इस वक्त MQM ये PDM पार्ट टू वही सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये तो खुद ही जो आप दे सकते हैं कि एक तरफ चोरी के मैंडेट पे आए हैं और उन्हीं के साथ बैठ गए हैं। मैं मतलब सब आपके क्रॉस टॉक नहीं की थी, मेरी भी सुन ले पहले, मेरी सुन ले, फिर आप गलत बयान कर रहे हो ना। हम नहीं बैठे उनके साथ, हम नहीं बैठे उनके साथ, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ आ गए। दुनिया देख रही है एक ही कोलेशन पार्ट आप लोगों की गवर्नमेंट है, उसमें ही वो MQM बैठी है, उसी में आप लोग बैठे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आप कहें कि हम नहीं बैठे हुए, खैर पाकिस्तानी कौम देख रही है, वो फैसला कर लेगी आप उनके साथ बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए। दूसरी बात सर, आपने कहा ना कि सर्विसेज चीफ इसलिए नहीं आए कि शायद वो गालम गलोच, मैं कहता हूँ कि सर्विसेज चीफ इसलिए नहीं आए कि वो समझते हैं कि ये तो जहली मैंडेट वाले हैं, ये इनके पास तो मैंडेट ही नहीं, इनकी जाके क्या बात सुने। आपने सदर साहब का कहा, उन्होंने कहा वो तो जो फॉर्म 47 पे जीत के MNS ने वोट डाल दिया वो बन गए हैं, या MPS ने डाल दिया जो फॉर्म 47 के हैं, बेसिकली तो ये इलेक्शन ही हम समझते हैं कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। और दूसरी तरफ आप देखें, एक तरफ हमें कहा जाता है कि जब तक आपका हाउस कम्प्लीट नहीं होता, आपका हाउस कम्प्लीट नहीं हो रहा, KPK का सेनेट का इलेक्शन आप नहीं करवा सकते KPK का। अच्छा तो भाई जब सेनेट का ही हाउस पूरा नहीं हुआ तो आपने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन किस तरह करा दिया? वो कहते नहीं आप ये अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कहेंगे तो शिकवा होगा। यहाँ जो निज़ाम है ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये आखिरी सांसों पे है। और ये जो आपने मुस्लिम लीग नून जो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है पंजाब में भी और वफाक में भी, इसको जिस तरह भी बिठाया है, ये सिस्टम इस सियासी जनाजे का बोझ नहीं उठा सकेगा, ये बड़ी जल्दी ये सिस्टम गिरेगा। अच्छा ये बता दें कि वो उमर अयूब साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं जो आपकी तजवीज है कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हमने देखें गुजारिश सुन लें, जो जो इस मुल्क में जमात ये समझती है धांधली हुई है, हम उनके साथ बरसरे पेकार आ गए, हम ग्राउंड पे निकल आए हैं। हमने तो कोशिश की थी कि शराफत से ये फार्म 45 के हिसाब से हमारे सीटें हमें दे दें, हमें एहतजाजी मोड में ना जाना पड़े। हमने पशीन से जलसों का आगाज़ कर दिया, आप अपना हक लेने के लिए हर हद तक जाएंगे, गली कूचे बाजार जहां हो सकेगा हम अपना जलसा जुलूस भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, असम्बलीज में भी अपना रिकॉर्ड कराएंगे एहतजाज। प्लस अवाम आप देख लें, अवामी मैंडेट किसके साथ है, ये पुरा आपकी जो होती है ना गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अगली बात ये है कि कादिर मंदोखेल साहब बड़े माशाल्लाह सीजन और समझदार और बड़े वकील भी हैं, समझदार आदमी हैं। अभी इन्होंने कराची की बात की कि कराची में फलानी सीट मेरी थी और वहाँ से ये हो गया, भाई कराची तो वन वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। ये कादिर मंदोखेल साहब बता दें, वो आलमगीर खान मसूद मेरा दोस्त है, उसको लाखों से ऊपर वोट पड़ा है, आगे ले वाले सिफर उतार के आपने किसी और के साथ लगा। चले इधर एक ब्रेक ले लेते हैं हाफिज साहब। भोंडा मजाक 1947 से लेके खालिद जमील साहब आप हिस्ट्री निकाल लें, 1947 से लेके फार्म 47 के डाकू पहली दफा आए हैं, इस लेवल पे कभी इस तरह का हरकत नहीं हुई। ये तो मजाक बन गया असेंबली, जमहूरियत ना जमहूरियत है इस मुल्क में इस वक्त, ना क्या नाम है आपका, कोई पार्लिमानी निज़ाम है, ये इस वक्त जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये आमराना निज़ाम की बाय प्रोडक्ट बैठी हुई है। हाफिज साहब छोटी सी हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं तो फिर वापस आते हैं, तो आप इसी नुक्ते से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी है ये पार्लिमानी कारकर्दगी के ऊपर भी कैसे असरअंदाज हो सकती है, और फिर दीगर जो कानून साजी जो बुनियादी काम होता है पार्लिमान का और जो पॉलिसी साजी उसके अंदर मामला कैसे आगे बढ़ सकेंगे। और मीनवाइल जो है कि कादर खान मंदोखेल साहब हमें इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने जाना भी है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम इन्हीं मौजूदात के ऊपर बातचीत को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।